वैसे आरक्षण को लेकर के जब विशेष सत्र बुलाया गया था तब से तय था कि इसमें हंगामा तो होगा। आरक्षण संशोधन विधेयक पेश होने के पहले सदन में जबरदस्त हंगामे की तस्वीरें भी नजर आईं। मंत्री शिव डहरिया और बीजेपी के विधायक के बीच में धक्का मुक्की तक की खबरें आईं। क्यों इस पर इतना हंगामा बरपा, क्या हुआ है आज, आप इस रिपोर्ट में जानेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन जमकर हंगामा हुआ। आरक्षण के मामले को लेकर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच धक्का मुक्की तक हो गई। कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया और बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर के बीच झड़प के बाद दोनों विधायकों को शांत कराया गया। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित भी करनी पड़ी। इस घटना को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को आरक्षण विरोधी करार दिया और गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की बात कही। वो चर्चा से भाग रहे थे और जब मैं उन लोग आरक्षण के विरोध में इतना उतर आए हैं कि मैं वहाँ उस तरफ जा रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग अजय चंद्राकर ने और बाकी लोगों ने मुझसे धक्का मुक्की की। तो ये आरक्षण के विरोध करने वाले लोग इस स्तर पर उतर आए कि वो आज धक्का मुक्की भी करने लग गए। हम लोग अपनी मर्यादा में रहते हैं। क्या अध्यक्ष जी असंधि से जो निर्देश दे रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल को नहीं मानना चाहिए, क्या अजय चंद्राकर को नहीं मानना चाहिए? और जब हम लोग कोई बात कहते हैं आरक्षण के पक्ष में तो सुनने के बजाय धक्का मुक्की कर रहे हैं, तो ये प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करते। वहीं बीजेपी विधायकों का कहना है कि चुनाव जीतने के लिए नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बृजमोहन अग्रवाल ने नियमों का हवाला देते हुए विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। एक मंत्री कहता है मैं उधर भी आकर आप लोगों के ऊपर बैठ सकता हूं, मेरे नेता का आदेश होना चाहिए। हम लोग भी अपनी माता के पुत्र हैं, हम लोगों में भी उद्यम है। अगर कोई हमको ऐसा चैलेंज करता है तो उसका जवाब देना हम जानते हैं। और मुख्यमंत्री ने उकसाकर उनको हमारी तरफ भेजा। आरक्षण का मुद्दा तो पहले से ही गर्म है, अब नेताओं के तेवर भी गर्म हो गए हैं। सदन में माननीयों के रवैये को जनता देख रही है और आगामी चुनाव पर इसका असर तय है। इलेक्शन डेस्क IBC 24।